हेलो क्लास सेवन बेटा, चैप्टर नंबर 13, द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग और पार्ट वन की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 2 पेजेस की रीडिंग करने वाले हैं। आई होप आप इस कंप्लीट रीडिंग को अच्छी तरह से समझेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाउ कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन्फ्लुएंस आवर लाइफ इन वेरियस वेज। इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक इनविजिबल फॉर्म है एनर्जी की, हमारी लाइफ को अलग अलग तरीक़ों से इन्फ्लुएंस करती है। इट्स इम्पॉर्टेंस कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन द पावर सप्लाई इन आवर हाउसेज एंड नेबरहुड ब्रेक्स डाउन। इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये आपको तब पता लगती है जब पावर सप्लाई जो हमारे घरों में आती है, हमारे पड़ोस में आती है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी बंद हो जाती है कुछ समय के लिए बिजली। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू आवर होम्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एंड सिनेमा हॉल्स विद द हेल्प ऑफ वायर्स फ्रॉम द जनरेटिंग प्लांट्स। तो बिजली जहाँ पर बनाई जाती है पावर जनरेटिंग प्लांट्स में, वहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है और हमारे घरों में वायर्स के द्वारा पहुंचती है, फैक्ट्रीज़ में, ऑफिसेज़ में, सिनेमा हॉल्स में, सभी जगह जो ये वायर्स होते हैं बिजली के, इनकी हेल्प से पहुंचती है। थिंक ऑफ व्हाट लाइफ वुड बी विदाउट इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फैंस, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स एंड कंप्यूटर्स। सोचिए कि क्या लाइफ होगी अगर बिजली ना हो और इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फैंस, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड कंप्यूटर, ये सब चीज़ें ना हो तो। अब बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इन अर्लियर क्लासेज यू हैव स्टडीड अबाउट द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आपने पिछली क्लासेज में इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में पढ़ा भी है। कंडक्टर अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो कंडक्टर्स होते हैं वो करंट का फ्लो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं पास होना। एज द एटम ऑफ दिस मटेरियल हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इनके जो मटेरियल होते हैं उनमें एटम्स होते हैं फ्री, ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके एटम्स में, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री वो इनके एटम्स में बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। इंसुलेटर्स ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम इंसुलेटर को देखें, डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, हैंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। बोथ इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट हैव एंड हैव इक्वल यूटिलिटी वैल्यू बिकॉज एवरी कंडक्टर्स नीड टू बी इंसुलेटेड इन सम फॉर्म। जो ये इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, है ना, दोनों की अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है क्योंकि दोनों की ही यूटिलाइजेशन है, दोनों के अपने उपयोग हैं। जिस तरह से कंडक्टर का यूज़ होता है उसी तरह दूसरी फॉर्म में जो कह सकते हैं हम, इंसुलेटर का भी यूज़ होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन एक बॉडी लाइक ग्लास और प्लास्टिक इज रब्ड विद वूल, सिल्क और फर। जब एक किसी बॉडी को जैसे ग्लास की हो, प्लास्टिक की हो, वो रब किया जाता है वूल से, सिल्क से या फर से, दीज बॉडीज अक्वायर ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एज बिट्स ऑफ पेपर, हेयर एसेट्रा। तो इन जो बॉडीज़ है इनमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है दूसरी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ जो है क्या करना, अट्रैक्ट करने की, जो उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ पैदा हो जाती है, जैसे बहुत छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हों या हेयर्स हों उनको अपनी तरफ खींचता है ये। द बॉडीज़ आर सेट टू बी चार्ज्ड और इलेक्ट्रोफाइड। तो बॉडी को हम इलेक्ट्रोफाइड कहते हैं या चार्ज्ड बॉडी कहते हैं। इन नॉन कंडक्टर्स, अगर नॉन कंडक्टर की बात करें, दिस चार्ज डज नॉट फ्लो इन ए करंट, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। दिस चार्ज इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी, और इस जो चार्ज को हम
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। द फ्रिक्शन ऑफ रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कॉजेज द मूवमेंट ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ये जो फ्रिक्शन होता है रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने पर, यही कारण होता है लूज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का, जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाते हैं। द लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है बॉडी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। वाइल द गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, और वो बॉडी क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। ए रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इट्स एबिलिटी टू मूव अलॉन्ग प्री सेट कोर्स ऑफ कंडक्टर्स कॉल्ड सर्किट। एक रिमार्केबल क्वालिटी है इलेक्ट्रिसिटी की कि ये इसके अंदर एक एबिलिटी होती है एक प्री सेट पाथ में कोर्स, यानी एक विशेष तरह के पाथ में चलने की एक क्या होती है इसके अंदर कंडक्टर्स के थ्रू होकर, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं, ठीक है। बट हाउ कैन इलेक्ट्रिसिटी मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। लेकिन एक इलेक्ट्रिसिटी जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे कंडक्ट होती है, कैसे चलती है। व्हाट इज़ द अनब्रोकन पाथ ऑफ द सर्किट। सर्किट का अनब्रोकन पाथ क्या होता है। व्हाट मटेरियल्स इज द सर्किट मेड। सर्किट किस मटेरियल का बना होता है। बाई यूजिंग सिंपल बैटरीज इन द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटीज़ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ पॉसिबल टू टेम दिस पावरफुल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दैट वी कैन यूज़ इट एवरी डे। और ये एक एक्टिविटी आपको दे रखी है, इस एक्टिविटी की हेल्प से आप ये समझ पाएंगे कि हम किस तरह इस इलेक्ट्रिसिटी को, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको बेटा आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको क्या शो करना था, टू शो हाउ ए कंटिन्यूस कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ जनरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी के लिए मटेरियल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन सब कुछ दे रखा है, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी मूव। इलेक्ट्रिसिटी मूव कैसे करती है, चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, सो दैट द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एक एटम अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इट इज़ पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम डीअटैच्ड फ्रॉम द दियर एटम्स इन ए बॉडी। और ये क्या है, पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाए, यानी टूट के अलग हो जाए अपनी जो पेरेंट बॉडी है उससे, एटम जिसको हम बोलते हैं, सो दैट इट इज़ लेफ्ट विद ए नेट पॉजिटिव चार्ज। तो वो जो बॉडी है वो एक पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाती है, चार्जेबल हो जाती है, चार्ज्ड हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ ये देखें, इफ़ द बॉडी गेन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और अगर हम ये देखें कि किसी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, इट एक्वायर्स ए नेगेटिव चार्ज, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और किसी भी जो मटेरियल होता है उसका एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो वो न्यूक्लियस क्या बनता है, किससे बनता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। द इलेक्ट्रिक करंट इज जेनरेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस एन इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट एंड आर फ्री टू मूव टुवार्ड्स एन ऑब्जेक्ट विच इज़ लेस चार्ज्ड। तो इलेक्ट्रिक का करंट जो होती है वो फ्लो कैसे होती है, द इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है कब, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं किसी इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट में और वो फ्री मूवमेंट के, फ्री होते हैं मूवमेंट करने के लिए टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। कब, जबकि विच इज़ लेस चार्ज, जो कि बॉडी हमारी लेस चार्ज्ड होगी। दिस डिफरेंस
इन चार्ज बिटवीन वन ऑब्जेक्ट एंड अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से जो डिफरेंस है चार्ज का दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी वन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट, तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। द बैटरी इज एबल टू मेंटेन ए सर्टेन डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो ये जो बैटरी होती है ये एबल होती है, तो ये क्या काम कर सकती है, ये मेंटेन करने का काम कर सकती है डिफरेंस को, ठीक है, इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में, ठीक है। चलिए बैटरी के बारे में बात करते हैं अब। ए कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल इज़ ए बैटरी। अगर हम दो या दो से ज़्यादा अगर हम सेल लें और उनको एक साथ कनेक्ट कर दें तो वो हमारी क्या हो जाती है, बैटरी हो जाती है। ए कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन, एक से ज़्यादा सेल अगर हमने कनेक्ट कर दिए तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। और एक सेल का जो नेगेटिव होता है वो अगले के पॉजिटिव से, और जो एक सेल का पॉजिटिव होता है अगले वाले के नेगेटिव से वो अटैच होता है। इन सच डिवाइस द सेल्स आर आइदर प्लेस्ड वन आफ्टर अदर इन सीरीज़, यानी एक के बाद एक हम इस तरह से क्रम में लगाते रहते हैं उसको सीरीज़ बोलते हैं। ऑन साइड बाय साइड, और साइड बाय साइड लगाएंगे तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं। बैटरीज़ आर यूज्ड इन टॉर्चेस, टॉयज़, कार एक्सेट्रा। ये बैटरीज आप जो यूज़ करते हैं टॉयज़ में, टॉर्चेस में, कार्स वगैरह में यूज़ करते हैं। सम कॉमनली जो इलेक्ट्रिक सिंबल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिक सिंबल्स जो हम सर्किट में अपने कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए कि इलेक्ट्रिकल जो हमारे अप्लाइंसेज हैं और उपकरण हैं, है ना, उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ड्राइंग इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है उसको हम अगर किसी स्टैंडर्ड मेथड से ड्राइंग से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको सर्किट डायग्राम बोलते हैं। वी यूज़ सिंबल्स फॉर स्केचिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। तो उस सर्किट में हम यूज़ करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिक सिंबल को, ठीक है, स्केच करने के लिए। जैसे कंपोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं जिनको यूज़ करते हैं हम, सेल्स, वायर्स, स्विच, बल्ब्स एक्सेट्रा, तो उनको हम किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। द फॉलोइंग टेबल सम शोज सम कॉमन इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज्ड इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो मेन हम यूज़ करते हैं सिंबल्स उनको यहाँ पर बताया गया है। देख लीजिए इलेक्ट्रिक सेल इस तरह का होता है, ठीक है, बैटरी इस तरह से यूज़ कर दिखाते हैं हम शो करके। बैटरी का ये दूसरा तरीका है, बल्ब ऑन को ग्लो करके दिखाते हैं, बल्ब ऑफ को इस तरह से, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, फ्यूज़ और वायर, ठीक है। इस टेबल को बेटा आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। तो आज हमने स्टार्टिंग के 2 पेज की रीडिंग कर ली है। आई होप आपको ये कंप्लीट रीडिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स लगती है तो उसका मीनिंग आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।